बहुत अच्छा लग रहा है यार, मैं क्या बताऊँ कि आपका जब एक का ड्रीम पूरा होता तो कैसा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और सब लोगों के चेहरे देखे मैंने चैम्पियन बनने के बाद, वो खुशी एक अलग ही होती कि आप अपनी फैमिली को जब देखते हो आपके चैम्पियन बनने के बाद जो खुशी देखते हो। और मेरा जो ड्रीम था सेकेंड हाईएस्ट वो पूरा हो चुका है, और थैंक यू आप सबको भी, आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, और इनको भी मैं थैंक यू, और ये दोनों मेरे कार्टून हैं इनको भी मैं थैंक यू बोलूँ, क्योंकि फैमिली मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है मेरे को। मतलब हक गेम के बारे में ना, कभी भी दीपक को जैसे मैं आधी रात को भी बोल दूँ ना कि अभी हम लेट आए हैं तो अभी यार प्रैक्टिस करें या करें, बोलते कि नहीं नहीं चलो प्रैक्टिस करनी ही है, अब कुछ भी हो इवेंट वगैरह से आते हैं हम, 10 बजे भी आएँ 11 बजे भी आएँ तो प्रैक्टिस कभी मिस नहीं होती है। तो वो चीज़ हमारी मतलब रंग ला रही है। और लॉकडाउन के टाइम जब हम बाहर नहीं जा पाते तो मेरी बहन ने मेरी जैसे मेरी बहन भी इंटरनेशनल बॉक्सर है तो उसने मुझे प्रैक्टिस करवाई, तो वो भी उस टाइम मेरा एशियन में मेडल आया तो बहुत अच्छा लगा। मेरा भाई जो हालांकि वो क्रिकेट खेलता है, रणजी खेला है, लेकिन वो है ना बॉक्सिंग ग्लव्स पहनता है, क्योंकि मैं हैवी वेट हूँ और मेरी बहन छोटा वेट है, तो वो उस टाइम इसको घुटने में चोट लगी थी तो उस टाइम ये मेरे साथ स्पारिंग नहीं कर पाती थी, तो मेरा पार्टनर ये बनता था। तो हर और दीपक आधी रात को भी जैसे प्रैक्टिस के लिए तैयार रहते थे, तो हर एक इंसान का जो मेरी फैमिली में, जैसे मेरी मम्मी बहुत, मेरी माँ जो बहुत प्रेयर करती है मेरे लिए हर टाइम, तो अब भी वो बेचारी 14 दिन से भूखी है मेरे लिए कि मेरा गोल्ड मेडल लाए, और अन्न ही खाया है उन्होंने जब से फास्ट पर है। तो हर एक इंसान मेरी लाइफ में, बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसी फैमिली मिली, ऐसे हस्बैंड मिले और ऐसे भाई बहन माँ पापा मिले, और क्या बताऊँ मैं, बस बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ।